हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूबा किड्स। मेरा नाम उइश। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पे कई मशीनों की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। इसी तरीके से आज हम एक और मशीन XP007 एक्सोस की अल्ट्रा थिक कटिंग मशीन, जो साथ में वी कटिंग भी करती है और प्लस बैटरी पर भी है ये मशीन। तो आइए इस मशीन को अनबॉक्सिंग करते हैं और इस मशीन के फीचर्स के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमें मशीन कुछ इस तरीके से मिलती है। बॉक्स के अंदर हमें थर्माकोल के, तो इस मशीन को मैं बाहर निकालता हूँ और मशीन के साथ हमें क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले मिलता है एक हैंडल जो हमारी मशीन के राइट साइड में लगेगा अप और डाउन करने के लिए मशीन को। उसके बाद में हमें मिलता है एक ब्रश मशीन को साफ वगैरह करने के लिए। उसके बाद हमें दोस्तों मिलता है एक चार्जिंग अडेप्टर मशीन का। उसके बाद हमें मिलती है कुछ रिंग्स। इसके बाद हमें एक मिलता है कैलिब्रेशन करने के लिए होंडा का कटिंग हुआ हुआ ब्लेड, साथ में हमें मिलते हैं कुछ और कुछ शोल्डर्स वगैरह मिलते हैं हमें, चाबी को रोकने के लिए काम आता है। इसके बाद हमें मिलती है तीन लंकी अलग अलग साइज की, और साथ में हमें मिलते और हमें मिलते हैं दो कटर, एक 1.5 mm का और एक 2.5 mm का कटर। साथ में दोस्तों हमें मिलता है एक ट्रेसर, उसके बाद जो हमारा है 1.5 mm का, जो और साथ में इसके दूसरी तरफ 2.5 mm का भी है। तो दोनों ही मतलब 2-in-1 ट्रेसर है। आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार मैं। आप ये देखिए, एक तरफ इसका जो है 1.5 mm है और दूसरी तरफ से जो है ये 2.5 mm का है। तो दोस्तों, मशीन को मैं अनपैक कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं और कुछ इसके फीचर्स भी मैं आपको बता के चलता हूं। हमारी मशीन जो है 11.5 kg की है और फुल्ली मतलब बैटरी पे चल सकती है ये, और इस पर लगभग 20 से 30 चाबी आराम से कट जाएगी। और इसमें आप जो है अल्ट्रा और वी दोनों ही तरीके की चाबी आप काट सकते हो, साथ में डिम्पल कटिंग भी कर सकते हो। और आगे से हमारी मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये रहा इसका लेफ्ट साइड का व्यू। लेफ्ट साइड की बात करें तो इसमें जो है मशीन में एक एडिशनली फीचर दिया गया है ग्रिप करने के लिए आपके हाथ को, और साथ में जो है मशीन का अगर क्लैंप आते ले जाते वक्त हिलता है तो इसे आप जो है होल्ड कर सकते हो। इस तरीके से देखिए, अभी ये बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रहा, इसे ऊपर करके आप क्लैंप हिला सकते हो। और पीछे की तरफ जो है इसके एक और हैंडल दिया गया है, जिससे बड़ी आसानी से आप दूर दराज इलाकों में या कहीं भी आपको वर्क करना है तो ले जा सकते हो, मशीन को कैरी कर सकते हो आसानी से। और इसकी स्लाइडिंग की बात करें तो स्लाइडिंग बड़ी स्मूथ है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब लेफ़्ट राइट और अप डाउन, मतलब जैसे भी आपको करनी है XYZ बहुत आसानी से ये हो जाती है स्लाइडिंग। मशीन के ऊपर की तरफ जो है इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जिंग का, बैटरी मीटर कितनी बैटरी है या नहीं है, कटर की हाइट का आप पता लगा सकते हैं और ट्रेसर की हाइट का ये लेवल पे है या नहीं है। ये LED फीचर्स भी दिया गया है मशीन में। तो दोस्तों, बात करें अगर कटिंग की
हमारी अगर हमें वी कटिंग करनी है कोई चाबी, तो हमारे जो है लेफ्ट साइड पे इस तरफ शोल्डर दिए गए हैं मशीन पे क्लैम के ऊपर, तो इधर आप जो है कटिंग कर सकते हो, और इस तरफ जो है आप अपनी अल्ट्रा कटिंग और डिम्पल कटिंग कर सकते हैं। इस एक ही क्लैम से आप जो है दो कटिंग कर सकते हैं, अल्ट्रा वी और डिम्पल भी कर सकते हैं। और इधर से हमारा जो है ट्रेसर और कटर की हाइट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, अगर हम मशीन के राइट साइड की बात करें, तो मशीन के इस तरफ हमारा एक हैंडल लगेगा, जिससे मशीन का कटर और ट्रेसर का पार्ट ऊपर नीचे होगा, और इस जगह से मशीन की हाई स्पीड जो है हम लो और हाई कर सकते हैं। एक्सोस की ब्रांडिंग हुई हुई है, अगर पीछे की बात करें तो पीछे एक्सोस की ब्रांडिंग हुई हुई है, और कुछ प्लग्स के लिए पोर्ट छोड़ रखे हैं इन्होंने।
तो दोस्तों ये था एक्सोर्स की XP007 की कटिंग मशीन के बारे में, जिसमें आप वी और अल्ट्रा दोनों ही कटिंग कर सकते हैं और साथ में ये बैटरी पे भी चलती है। अगर इस मशीन के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए, और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्यूबा कीज में आप कॉल कर सकते हैं 9354984954 पर या क्यूबा कीज.com पर विजिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।